दोस्तों हम बात करने वाले हैं ये बेहतरीन से प्लान के, और ये प्लान जो इसका साइज है 17 बाई 70 फिट में बना हुआ है। 70 फिट इसकी गहराई है और 17 फिट इसकी चौड़ाई है, जिसमें बहुत ही बेहतरीन इस मकान को मैंने डिजाइन किया है, जिसमें आपको ग्राउंड फ्लोर पर खुद के रहने के लिए फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर पर रेंट पर्पज से घर बनाया गया है। अगर आप भी चाहते हैं कि रेंट पर्पज से आप घर बनाएं और तो आप इस मॉडल को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका जो साइज है 17 बाई 17 फिट मैंने ऑलरेडी बता दिया। ग्राउंड फ्लोर पर आपको यहाँ पर कार पार्किंग भी मिलती है, तो सारी व्यवस्थाएं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो इसी मॉडल को आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे जानने वाले थे, उनके कहने पर इस मॉडल को मैं डिजाइन कर रहा हूँ, उनकी जो रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग। तो आज का जो प्लान 17 बाई 17 का होने वाला है, ये मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, और इसमें कुछ जो मैंने ग्रिल वगैरह यूज की उस सभी को मैं डिफाइन करने वाला हूं। तो बने शुरू में लगातार मैं हूं पवन झागड़े और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। दोस्तों अगर आपने अभी स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें। तो इस मॉडल को मैं अगर जूम करके आपको दिखाना चाहूं, मैक्सिमम जूम, तो इससे आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रिल का डिजाइन क्या है। ग्रिल का डिजाइन वगैरह, ऊपर गुमटी मैंने बना रखी है और विंडो वगैरह लगा रखी वेंटिलेशन के लिए। तो ये आप ओवरऑल पूरा मॉडल देख सकते हैं। बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की, तो ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर है। फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं ये मेन डोर है, जहां से आप एंट्री करेंगे एक विंडो है। मेन डोर से जैसे ये घर लगभग 5 फिट मैंने आगे से जगह छोड़ दी है 70 फिट में, तो 65 फिट में ओवरऑल बना है इसका। जैसे मेन डोर से एंट्री करते हैं तो ये आपको एक बड़ा सा हॉल मिल जाता है, देख सकते हैं काफ़ी बड़ा। इधर से आपकी स्टेयर्स हैं, चढ़कर बाहर के अंदर की तरफ जाएंगे और उसी के नीचे एक लेट एंड बाथ मैंने और कंबाइंड करके बना दी है। अंदर जाते ही आपको एक बेडरूम मिलता है, देख सकते हैं यहाँ से एंट्री है, और ये गैलरी टाइप की 4 फिट की बना दी, इससे आप अंदर जाएंगे और गैलरी से भी डोर को आप एक्सेस कर पाएंगे। सबसे पीछे जाते हैं तो ये आंगन समझ लीजिए, इसी आंगन में एक ओपन किचन को मैंने सेटअप बना रखा है, यहाँ पर आप पूजा घर बना सकते हैं। इसके बाद एक कॉर्नर पर भी बेडरूम मैंने यहाँ पर दिया है और ये एक लेट बाथ बड़ा सा बना हुआ है गैलरी में। आपको बीच में जाल रखवाना होगा क्योंकि वेंटिलेशन के लिए घर काफ़ी बड़ा है, तो आप मैं सजेस्ट करूँगा आप एक यहाँ पर भी जाल रखवाएँ और एक आंगन में जाल रखवाएं, इससे प्रॉपर तरीके से आपका वेंटिलेशन घर में होता रहे। लेकिन डिपेंड ये करता है कि ऊपर यहाँ पर बेडरूम बना है तो आपको गैलरी में जाल रखवाना चाहिए, जिससे आपको सभी जगह वेंटिलेशन मिलता रहे। तो ये ग्राउंड फ्लोर की बात हो गई, इसमें 2 बेडरूम, ये लेट बाथ, ये आपका बड़ा सा किचन, पूजा घर, ये गैलरी, आगे आपका कार पार्किंग के लिए स्पेस, एक लेट बाथ इधर और ये आपकी स्टेयर्स। तो ये ग्राउंड फ्लोर बनकर रेडी होता है। बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की, तो ये फ्रंट से इसका फर्स्ट फ्लोर है, मतलब 3 फिट लगभग, जो 5 फिट का मैंने जगह छोड़ा था ना, तो इसमें 4 फिट का ही मैंने आगे छज्जा टाइप का निकाला है, इसमें एक ग्रिल वगैरह लगा दी है और स्टेयर्स के माध्यम से ऊपर आए। तो यहाँ पर जगह आपकी बहुत ही लिमिटेड जगह बचेगी, तो आपको डोर इधर लगाना होगा, इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जो ऊपर घर मैंने बनाया ये रेंट पर्पज से बना हुआ है। देखिएगा 16 बाई 16 के ब्लॉक मैंने काटे हैं, इसमें 10 बाई 10 का बेडरूम, इधर आपका लेट एंड बाथ और ये किचन जो गैलरी नुमा गई, इस गैलरी से आपको पूरे घर को एक्सेस करना होगा। पीछे के पोर्शन की बात करें तो बेडरूम, उसमें एक डोर दिया है, एक विंडो दिया है, पीछे लेट एंड बाथ और ये किचन, दोनों आप अपने डोर से ही बेडरूम से ही एक्सेस कर पाएंगे। कंबाइंड लेट बाथ और किचन यहाँ पर मैंने सेपरेट करके बनाया है। वही ये पोर्शन बिल्कुल सेम बना है, ये पीछे वाला लेट बाथ, ये आपका किचन, किचन बाहर की तरफ इस वजह से रखा है कि गैलरी से इसका वेंटिलेशन होता रहे। ये बेडरूम, वही ये वाला भी बेडरूम और लेट बाथ, किचन वगैरह डिटेल आपको देखने को मिलती है। तो ये ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर बनकर आपका रेडी होता है, फ्रंट से आपका ऐसा दिखने वाला है। लास्ट फ्लोर की बात करें तो ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर भी सिमिलर प्लान ही बना है, इसमें कोई चेंजमेंट मैंने नहीं किया है। यहाँ पर एक डोर और ग्लास का कॉम्बिनेशन दिया है जो कि ग्लास का लगा है, आप देख सकते हैं, और ये पूरा सिमिलर प्लान फर्स्ट फ्लोर के अकॉर्डिंग है। लास्ट फ्लोर पर 3.5 फिट का बाउंड्री वॉल चारों तरफ और फ्रंट का ग्रिल का डिजाइन और एक गुमटी स्टेयर्स को ढकने के लिए, लास्ट में एक छत आपकी बनकर रेडी हो जाती है। तो ये ओवरऑल 17 बाई 17 फिट में रेंट पर्पज से घर बना हुआ है। आप भी रहिएगा ग्राउंड फ्लोर पर और फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर रेंट पर्पज से बने हुए हैं। तो ये पूरा मॉडल था, मैंने सोचा आप लोगों के सामने डिस्कस करूं। अगर आपका भी ऐसा कोई प्लान है तो आप इस मॉडल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसका 2D प्लान चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेबसाइट का नाम है smallhouseplan.com, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस पर जाकर इसका 2D प्लान वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।